केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी फिर विवादों में घिर गई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने स्मृति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्मृति और कुछ सांसदों पर यूनिवर्सिटी के कामों में दखल अंदाजी करने का आरोप लगाया है। देखिए एक रिपोर्ट। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और विवादों का नाता बिल्कुल चोली दामन की तरह हो गया है और इस बार विवाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां वाइस चांसलर रतनलाल हंगू ने स्मृति ईरानी पर यूनिवर्सिटी के मामले में दखल देने और राजनीति करने का आरोप लगाया है। VCHRD के इस दखल से इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी तक दे डाली। MHRD को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स हुई है, क्योंकि जब ये लोग पहले तो यही लोग अनशन पे खाली ज़्यादा लोग नहीं थे, खाली 4 लोग थी थे, आप सब लोगों ने देखा इतने दिनों से, और वो भी अनशन पे इसलिए बैठे थे कि उनकी अपनी परेशानियाँ थी, विश्वविद्यालय का मतलब हित वो नहीं सोच रहे हैं। इससे मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय सर्टनली पीछे जाएगा, विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो हम विश्वविद्यालय को एक्सलेंस की तरफ ले जाना चाहते थे, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा धक्का है उस चीज। बट I am not happy with this decision. If the government wants, I can give them resignation anytime and go. I just don't care. दरअसल करीब 4 महीने पहले ही वाइस चांसलर बने प्रोफेसर रतनलाल हांगलू ने कामकाज संभालते ही यूनिवर्सिटी का स्तर बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके तहत नए सेशन से सभी PG और CRET के लिए एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन ही कराए जाने थे। लेकिन उनके इस फैसले का पुरजोर विरोध हुआ। हंगामे के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया था, जिसके बाद ये मुद्दा पूरी तरह सियासी रंग में रंग गया। छात्रों के इस प्रदर्शन पर सियासी दलों ने भी खूब राजनीति की और धीरे धीरे ये मामला HRD मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, जिसके बाद स्मृति ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो सभी छात्रों को ऑफलाइन का विकल्प भी दें। रतनलाल हांगलू का आरोप है कि सरकार के कहने पर ही ये निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति हो रही है। शिक्षा के मंदिर में हो रही राजनीति से भड़के VC ने तो ये तक कह दिया है कि कैंपस में राजनीति ही करनी है तो कुलपति की जरूरत क्या है, किसी MP MLA को ही कुलपति बना देना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद अब इस मामले में स्मृति ईरानी की सफाई आई है, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज कैंपस की घटनाओं में सीधे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अपनी दखल अंदाजी कर रही हैं, इसको देखते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के VC की पीड़ा जायज है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फैसला लेने का पहला हक VC का ही होता है। देखते रहिए TV Live।